नमस्कार दोस्तों, A1 क्रिएटिव स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टू द टॉपिक, मिक्सर, एम्पलीफायर, स्पीकर, कैसे ये तीनों को हम कनेक्ट करेंगे और इसका सर्किट डायग्राम और लाइव में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये तीनों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कैसे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस। ये मेरा एक एम्पलीफायर के मिक्सचर के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल्स बनाया था, आप देख सकते हैं जो ट्यूटोरियल्स मैं बनाया था, SM6 स्ट्रेंजर का SM6 के अनबॉक्सिंग के ऊपर एक वीडियो में बनाया था यूट्यूब पे रिसेंटली। और उसके चलते मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए, जैसे कि मैं आज आशीष कुमार जी का ये प्रश्न का मैं अब उत्तर दूंगा। जो पहली बात उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, सर बहुत एम्पलीफायर इस मिक्सर से चला सकता हूं तो उसका डायग्राम बनाकर भेजिए। तो उससे पहले उन्होंने भेजा था कि मैं उसका दो रिप्लाई दिया था, और उससे पहले भी इस मिक्सर पे लैपटॉप कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, तो इसका भी हमने जवाब दिया था। मैंने इसको खरीद लिया है सर, और बताओ कैसे करंट करे। तो करंट के बारे में बहुत सारे, इसमें Cube 30 लग सकता है क्या? हाँ लग सकता है। माइक कैसे करंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, इसमें प्यार लगा सकते हैं कि नहीं, क्या इसमें क्या इसमें एक साथ दो एम्पलीफायर चला सकते हैं, वही आशीष कुमार का प्रश्न था कि इसके साथ दो एम्पलीफायर चला सकता हूं क्या। तो मैं उसका आंसर देता हूं और कैसे कनेक्शन के बारे में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहली क्वेश्चन जो है, क्या इसमें एक साथ दो एम्पलीफायर चला सकता हूं, तो उसका आंसर है हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 10 एम्पलीफायर, चाहे 20 एम्पलीफायर, आप चाहे जितना भी एम्पलीफायर इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैं आपको वो बताऊंगा, और इस मिक्सर पे आप कंप्यूटर में कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्यूटर में लगाएंगे। तो इसीलिए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, माइक फाइक सब के लिए जल्दी से करते हैं, ये वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, मिक्सर यही है, मिक्सर का जो पार्ट है, जैसे मिक्सर आपको ऐसे ही दिखता है। अब ये फ्रंट साइड है SM6 का, और ये बैक साइड है जहाँ पे आपका, ये देखिए 6 इनपुट, मैंने पहले भी बता चुका है ये 6 इनपुट है, मतलब यहाँ पे आप चाहे आपका कीबोर्ड डाल सकते हैं, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था पैड सर इसमें डाल सकते हैं, यस इसमें पैड आप डाल सकते हैं, उसके लिए आपको ये केबल चाहिए होगा। देखिए ये वाला आपको जो केबल है ना 6.3 mm का, तो ये केबल आपको मेल टू मेल चाहिए, और ये वाला सिरा आपके पैड में जाएगा और कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो एंड है ये वाला एंड जो है आपको इसको डालना होगा, दूसरा एंड को अपने 1 हो या 2 हो 1 पे आप कीबोर्ड डाल सकते हैं, ऐसे कॉर्ड लगा के कीबोर्ड डाल दिया, इसमें पैड डाल दिया, यहाँ पे माइक्रोफोन डायरेक्ट डाल सकते हैं, माइक्रोफोन भी ऐसे आप माइक्रोफोन को एक कॉर्ड डाल के यहाँ पे माइक्रोफोन भी डाल सकते हैं, इसमें आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। देखिए ये सारा उनका वॉल्यूम कंट्रोल है, मिडी सेक्शन, बैस, टेरेबल, ये सब कंट्रोल करने के लिए है। तो फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और उसके बाद ये दोनों आपका आउटपुट है। तो अभी हमारे दिमाग में आता है तो क्या होगा, मिक्सर में आपको सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसका इनपुट यहाँ पे देना है, चाहे माइक्रोफोन हो, चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, जो भी है, सॉरी लैपटॉप नहीं, आपकी पैड है, जो ऑक्टो पैड है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, गिटार हो, जो भी है, आपको यहीं पे डालना है इनपुट पे, जितने भी इनपुट आप उसको देंगे, और यहाँ पे उसका सारा ईच सारे के सारे का कंट्रोल रहेगा, कितना वॉल्यूम में रहेगा, कितना आप उसमें इफेक्ट डालेंगे, उसका बेस कितना रहेगा, टेरिबल कितना रहेगा, तो ये सारा चीज यहाँ पे एक एक चैनल का, इसको एक एक चैनल बोलते हैं, इसका कंट्रोल होता है, और उसके बाद लास्ट में इसका आउटपुट लेफ्ट राइट में निकलता है। तो आपको अगर लेफ्ट राइट वाला इसे दो लेफ्ट राइट के साथ 2 से 1 अगर मेल आपको मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है फिर भी प्रॉब्लम नहीं, आपको एक या तो लेफ्ट में डालिए या राइट में डालिए, किसी में भी डाल सकते हैं। तो लेफ्ट में आप सपोज डाल लीजिए, डालिए, और उसके बाद आपको जाना कहाँ है, आप देखिए बहुत लोगों को पता नहीं है मिक्सर से कहाँ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ से ये कॉर्ड डाल के, और दूसरा एक 3.5 mm का जैक लीजिए, 3.5 को आप आपकी कंप्यूटर के लाइन इन में डालिए, और आप जो सॉफ्टवेयर है आपका, जो ऑडासिटी हो या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको लाइन इन सिलेक्ट करना है और आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, ऐसे कंप्यूटर के लिए। और अगर आपको साउंड सिस्टम के लिए आपको चाहिए होगा एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको ये कॉर्ड का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट करना है,
और आगे चलना है। देखिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये है मिक्सर आपका, ये तो इनपुट आप दे दिए सारे के सारे, यहाँ पे आपको एक आउटपुट यहाँ से डालना है ये कॉर्ड को। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कॉर्ड को, यहाँ कॉर्ड को यहाँ पे सपोज आपने डाल दिया, मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कॉर्ड आपने एक सिरा 6.3 का कॉर्ड यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से लेके आपको जाना, ये है हमारा एम्पलीफायर, ये वाला भी एम्पलीफायर है, ये भी एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर का बैक साइड, ये आहूजा का आप 250 का देख सकते हैं बैक साइड ऐसे है। यहाँ पे ऑक्स वन है, ऑक्स टू है, प्री एम्प आउट है, लाइन आउट है, लाइन इन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से मिक्सर के, मिक्सर से ये एम्पलीफायर तक आपको करना क्या है, यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे लाइन इन में डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको लाइन इन में करंट कर दीजिए, है ना, एक कॉर्ड यहाँ पे घुसाइए और दूसरा जो कनेक्टिंग यहाँ पे लाइन इन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इसको लाइन इन में भी डाल सकते हैं, आप इसको ऑक्स में भी डाल सकते हैं। अगर सपोज आपके पास ऐसे दो मिक्सर है, छोटा छोटा दो मिक्सर है, और इसमें देखिए 6 चैनल है, अगर आपको सपोज 10 या 12 तबला भी डाल सकते हैं, माइक्रोफोन, दो माइक्रोफोन तबला से लेके भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सपोज आपके पास और भी इंस्ट्रूमेंट है और 6 चैनल में होता नहीं है, तो दूसरा भी ऐसे मिक्सर आप खरीद सकते हो, या दूसरा और कोई कंपनी का मिक्सर भी है आपके पास, वो भी आपको करना क्या है, वही वैसे सेम ही आउटपुट, उसका भी आउटपुट लेके आना है। और अगर आप चाहे तो ये ऑक्जुलर इसको लाइन इन में भी दे सकते हैं, या तो या आप इसको ऑक्जुलर एनी ऑक्जुलर में यहाँ पे भी दे सकते हैं। एक मिक्सर यहाँ पे डाल दिया और दूसरा मिक्सर है यहाँ पे डाल दिया, तो दोनों इनपुट आपको एम्पलीफायर को चला गया, या आप लाइन इन में भी दे सकते हैं, ऑक्स वन में भी दे सकते हैं, है ना, तीनों सेम चीज है। तो किसी किसी में आप देखिए यहाँ पे ये जो मिक्सर है आपको मैं थोड़ा दिखाया था हूँ बड़ा करके, सारे मिक्सर के बारे में दिखाया था, सॉरी एम्पलीफायर के बारे में दिखा देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो एम्पलीफायर है आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये एम्पलीफायर में आपको यहाँ पे इनपुट है और ये आउटपुट है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वो कॉर्ड को लाके यही इनपुट पे डाल देना है, हो गया। और थोड़ा बताया था ये वाला, इसके साइड पे और एक एम्पलीफायर हमारा है, देखिए ये वाला एम्पलीफायर आपको यहाँ पे, ऐसे भी कुछ एम्पलीफायर्स होते हैं जिसमें आपको लाइन आउट ऑक्स है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो आप मिक्सर का एक लेफ्ट ला के यहाँ पे इसे ऑक्स में डाल दीजिए और यहाँ से लाइन आउट ले लीजिए, हो गया। तो आपको करना क्या है, देखिए लाइन आउट में आपको और थोड़ा डिटेलली बता देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक से बता देता हूँ, चलिए। तो ये था हमारा, ओके। तो आप मिक्सर को ऑक्स वन में डाल सकते हैं, ऑक्स टू में डाल सकते हैं, लाइन में डाल सकते हैं, तीनों में आप मिक्सर का आउटपुट को डाल सकते हो एम्पलीफायर के। और एम्पलीफायर को सपोज जैसे कि क्वेश्चन थे और एक एम्पलीफायर कैसे लगाएं, तो ये एक एम्पलीफायर हो गया, सपोज हमको इस एम्पलीफायर पे लगाना है तो कैसे करना करना है, इसका लाइन प्री आउट से, यहाँ पे प्री आउट है, अगर प्री आउट नहीं होगा तो लाइन आउट से ले लीजिए, अगर प्री यहाँ पे प्री आउट है तो प्री आउट से हम एक कॉर्ड लेके जाएंगे और इसका इनपुट में डाल देंगे, है ना, यही सेम कॉर्ड है, यही सेम कॉर्ड यहाँ से लेके जाएंगे प्री आउट से, अगर प्री आउट है, अगर प्री आउट नहीं है तो आप वही लाइन आउट से भी ले सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका दूसरा का, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसका आउट ऑफ आ गया। अब सपोज ये एम्पलीफायर को इसके साथ आपको करंट करना, आपको करना क्या है, इसका जो आउट है यहाँ से वही सेम एक कॉर्ड ले आए 6.3 का, इसको लेके इसके ऑक्स पे डाल दीजिए, हो गया। और अगर और एक एम्पलीफायर चाहे तो यहां से लेके उसके ऑक्स में डालिए या उसके लाइन इन में डालिए और उसका लाइन आउट को फिर लेके आप दूसरा एम्पलीफायर पे लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। तो मिक्सर से आपको लाना है लाइन इन हो या ऑक्स हो एम्पलीफायर के, उसके बाद उसका लाइन आउट हो या लाइन आउट हो या प्री आउट, अगर प्री आंप है तो वहां से लेके आप दूसरे एम्पलीफायर के ऑक्स में हो सकता है, लाइन इन में डालिए, लाइन आउट से फिर उसको लूप करते जाइए, हो गया। लाइन इन में इन करिए, लाइन आउट में आउट करिए, या ऑक्स में इन करिए और आपके लाइन आउट पे आउट करिए, तो दूसरे को लूप करे ऐसे, दूसरे के इन और दूसरे के फिर आउट, ऐसे कर करके आप उसको लूपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके मिक्सर से एम्पलीफायर तक। और एम्पलीफायर का काम क्या होता है भाई, आप अगर सपोज बड़ा एरिया है, इतना ज्यादा एम्पलीफायर आप लूपिंग क्यों करेंगे, क्योंकि आपको अगर ज्यादा बड़ा एरिया में बहुत सारे स्पीकर्स लगाना है तो आपको बहुत सारे एम्पलीफायर की जरूरत होगा। तो अभी बॉक्स को कैसे लगाया जाए, अब 30 सेकेंड बचा हुआ है, तो इससे अब यहाँ से आप अपना 8 ओम का अगर बॉक्स है तो आप बॉक्स को लगा लीजिए। ये था पूरा चिट्ठा। अगर आप अगर और भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, स्पीकर कैसे लगाए वो दूसरा हम ट्यूटर से बताएगा। अभी 10 मिनट भी हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, और कुछ क्वेश्चन से तो पूछ सकते हो। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं ए